Good morning class again. In chapter number 4, our need for shelter, our today's topic is houses of animals. Houses of animals. इस chapter में वैसे भी हम houses के बारे में discuss कर रहे थे. कल मैंने आपको वर्क दिया था कि inside a house जो जो rooms होते हैं, bedroom, kitchen, bathroom, storeroom, वो सारे rooms के name आपको लिखने थे. तो I think आपने complete किया है कि नहीं किया है वर्क. आपने अगर कंप्लीट कर लिया है वर्क तो कॉपी सेंड कीजिए स्कूल में चेकिंग के लिए. ओके और आज हमारा लास्ट टॉपिक है, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, हाउसेस ऑफ एनिमल्स. HOUSES, हाउसेस ऑफ एनिमल्स. जैसे हम लोगों को रहने के लिए हाउस की नीड होती है ना, सेम ऐसे ही जो बर्ड्स होते हैं या जो एनिमल्स होते हैं उनको भी शेल्टर की या हाउस की नीड होती है, जरूरत होती है रहने के लिए. तो डिफरेंट एनिमल्स जो है उनके डिफरेंट हाउसेज होते हैं, वो उस चैप्टर में हम लास्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे. आपको कॉपी में भी करना है, पहले आपको चैप्टर 4 नेम लिखना है, देन आपको हाउसेज ऑफ एनिमल्स या आपको हेडिंग लिखनी है, फिर आप उधर नंबर 1 डाल के यहाँ पर लिखेंगे BIRDS बर्ड्स और सामने इसके हाउस का नेम लिखेंगे. ठीक है. Many animals have houses or shelter. However, wild animals find or build their own shelter. Human being build shelter for their pets and farm animals. जो animals होते हैं ना, उनमें कुछ animals ऐसे होते हैं जो अपना घर खुद बना लेते हैं. लेकिन कुछ animals ऐसे भी हैं जिनके houses जो हैं वो animal खुद अपना बना नहीं सकते, उनको हम लोग बना के देते हैं, हम लोग उनके लिए घर बनाते हैं. जैसे डॉग है वो अपना घर नहीं बना सकता, उसके लिए जो घर है कैनल वो हम बना के देते हैं. तो हमारे जो काऊ है, अगर हम घर में काऊ रख रहे हैं, बफेलो रख रहे हैं, कोई भी एनिमल पेट अगर हम पाल रहे हैं डोमेस्टिक एनिमल, तो उनके लिए जो हाउसेज होते हैं वो हम बना के देते हैं. और जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जंगल में रहने वाले एनिमल, या तो अपना घर खुद बना लेते हैं, अगर नहीं बना पाते तो वो अपने लिए घर ढूंढते हैं, जैसे किसी पेड़ के नीचे या किसी केव में गुफा, जो पेड़ पत्थर जो होते हैं ना उनकी गुफा बना करके गुफा ढूंढते हैं, सेफ प्लेस वो खुद फाइंड आउट करते हैं. तो इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम बर्ड्स और उनके घर का पढ़ेंगे कि उनके होम्स क्या होते हैं. जैसे BIRDS बर्ड्स, बर्ड्स का हाउस क्या होता है बताइए. NEST नेस्ट, नेस्ट इज द हाउस ऑफ बर्ड्स. बर्ड्स के घर को क्या बोलते हैं, NEST नेस्ट. ये आप भी लिखेंगे कॉपी में, वर्क करेंगे. सेकंड है डॉग्स, DOGS डॉग. डॉग्स का घर क्या होता है, डॉग्स का घर होता है KENEL कैनल. डॉग्स का हाउस क्या होता है, KENEL कैनल. द हाउस ऑफ डॉग इज कैनल. लर्न भी करेंगे साथ में. थर्ड हॉर्सेस, HORSES हॉर्सेस के घर को कहते हैं हम STABLE STABLE. ओके नाउ बीज, BEES बीज. बीज क्या होती है, जो मक्खी होती है, हनी बी मधुमक्खी, उसके घर को बोलते हैं BEEHIVE बी हाइव. BEEHIVE बी हाइव. देखा आपने पेड़ के ऊपर लगा हुआ छत्ता लटका होता है बड़ा सा, बी हाइव, तो वो बी उसको बोलते हैं बी हाइव. और वो किसका हाउस है, बीज का. नाउ लॉयन, लॉयन कहाँ रहता है, लॉयन लिव्स इन डेन. लॉयन लिव्स इन DEN डेन. लॉयन का हाउस क्या होता है, DEN डेन. तो ये 5 एनिमल्स हैं और इनके 5 हाउसेज हैं. ये वर्क आज आपको कॉपी में करना है. एंड नाउ चैप्टर इज कंप्लीटेड. इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. ओके.